नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका धरोहर कार्यक्रम में। दोस्तों, धरोहर के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं धूमिल की कुछ कविताएं। धूमिल, जिनका पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है, 9 नवंबर 1936 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में खेवली गांव में इनका जन्म हुआ। मात्र 39 साल की अवस्था में 10 फरवरी 1975 को इनकी मृत्यु हो गई। धूमिल के 3 कविता संग्रह हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे और सुदामा पांडे का लोकतंत्र। कल सुनना मुझे कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको 1979 में दिया गया मरणोपरांत। धूमिल की कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाने वाली कविताएं हैं धूमिल की। आइए सुनते हैं धूमिल की कुछ प्रतिनिधि कविताएं। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। आदमी गजल नहीं गा रहा है, गजल आदमी को गा रही है। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जा रही है। आदमी गजल नहीं गा रहा है, गजल आदमी को गा रही है। इस वक्त जबकि कविता मांगती है समूचा आदमी अपनी खुराक के लिए, उसके मुंह से खून की बू आ रही है। अपने बचाव के लिए खुद के खिलाफ हो जाने के सिवा दूसरा रास्ता क्या है, मैं आपसे ही पूछता हूँ। जहाँ पसीना पास से अधिक बदबू देता है, अपना हाथ खोकर चिमनी के नीचे खड़ा है निहत्था मजूर, वहाँ आप मुझे मजबूर क्यों करते हो। कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब इससे न चोली बन सकती है न चोंगा, तब आपे कहो इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। आपे जवाब दो, मैं इसका क्या करूं। तितली के पंखों में पटाखा बांध कर भाषा के हलके में कौन सा गुल खिला दूं। जब ढेर सारे दोस्तों का गुस्सा हाशिए पर चुटकुला बन रहा है, क्या मैं व्याकरण के नाक पर रुमाल लपेट कर निष्ठा का तुक विष्ठा से मिला दूं। आपे जवाब दो, आखिर मैं क्या करूं। सुविधा के तहजीब से बाहर जहां चौधरी अपना चमरौधा उतार गए हैं, कविता में वहीं कहीं नफरत का एक डरा हुआ बिंदु है। आप उसे छुओ वह कुनमुनाएगा, आप उसे कोंचो वह उठ खड़ा होगा। लेकिन एक ज़रूरतमंद चेहरे के अलावा वह धूमिल नहीं, एक डरा हुआ हिंदू है। उसके बीवी हैं, बच्चे हैं, घर है। अपने हिस्से का देश ईश्वर की दी हुई गरीबी है और सही शब्द चुनने का डर है। मैं एक डर चुनता हूँ, सबसे हल्का, सबसे बारीक, सबसे मुलायम, कम अज कम जिससे मैं खुद को बांध सकूं। जुआ तोड़कर भागते हुए शब्दों को कविता में नाच सकूं। बहरहाल मैं एक डर चुनता हूं, मगर उसे बाजार में रखने से पहले ही घर में बीमार बच्चे का फटे हुए दूध सा रोना सुनता हूं। बच्चा क्यों रो रहा है। मैं चुपचाप उठकर रसोई घर में जाता हूं और पूछता हूं, क्या हो रहा है। यह जानते हुए भी कि कई दिनों बाद भूख का जायका बदलने के लिए आज कुम्हड़े की सब्जी पक रही है। पत्नी का उदास और पीला चेहरा मुझे आदत सा आंकता है। उसकी फटी हुई साड़ी से झांकती हुई पीठ पर खिड़की से बाहर खड़े पेड़ की बहशत चमक रही है। मैं झेपता हूँ और धूमिल होने से बचने लगता हूँ। यानि बाहर का दुर दुर
और भीतर का बिल-बिल होने से बचने लगता हूँ। आप मुस्कुराते हो, बढ़िया उपमा है, अच्छा प्रतीक है, हे 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 हे, ठीक है ठीक है। और मैं समझता हूँ कि आपके मुंह में जितनी तारीफ है उससे अधिक पीक है। फिर भी मैं अंत तक आपको सहूँगा। वादों के लालच में आप जो कहोगे वह सब करूँगा, लेकिन जब हारूँगा आपके खिलाफ खुद अपने को तोड़ूँगा, भाषा को हीकते हुए अपने भीतर थूकते हुए सारी घृणा के साथ अंत में कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानि भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। अधजले शब्दों के ढेर में तुम क्या तलाश रहे हो? अधजले शब्दों के ढेर में तुम क्या तलाश रहे हो? तुम्हारी आत्मीयता जले हुए कागज़ की वह तस्वीर है जो छूते ही राख हो जाएगी। इस देश के बातूनी दिमाग में किसी विदेशी भाषा का सूर्यास्त फिर सुलगने लगा है। लाल हरी झंडियों जो कल तक शिखरों पर फहरा रही थी, वक्त की निचली सतहों में उतरकर स्याह हो गई हैं और चरित्रहीनता मंत्रियों की कुर्सी में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारी तरह मुझे अफसोस है, मैंने भी इस देश को एक जवान आदमी की रंगीन इच्छाओं की पूरी गहराई से प्यार किया था, मगर अब अतीत में अपना चेहरा देखने के लिए शीशे की धूल झाड़ना बेकार है, उसकी पॉलिश उतर चुकी है और अब उसके दोनों ओर सिर्फ दीवार है जिसके पीछे राजनीतिक अफवाहों का शरतकालीन आकाश नगर के लफंगों में आखिरी नाटक की मनपसंद भूमिकाएं बांट रहा है। रिहर्सल के हवा बंद कमरों में खिड़कियों के गंदे मुहावरे गूंज रहे हैं, शाम हो रही है, दिन की मुड़ेर पर अंधकार में आया झुका सूरज अपनी जांघों पर रोशनी की गुलेल तोड़ रहा है। रंगों की बदचलन इच्छाएं शहर का सबसे अच्छा शोकेस तैयार कर रही हैं। उन्होंने जनता और जरायम पेशा औरतों के बीच की सरल रेखाओं को काटकर स्वास्तिक चिन्ह बना लिया है और हवा में एक चमकदार गोल शब्द फेंक दिया है, जनतंत्र, जिसकी रोज सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की जुबान पर जिंदा है। अकेला कवि कटघरा होता है, इससे पहले कि वह तुम्हें सिलसिले से काट कर अलग कर दे, कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो। यह सबूत के लिए रंगीन पत्रिकाओं में चरित्र पोंखता हुआ ईमान जो दांतों में फंसी हुई भाषा की तिकड़म है, टूटे हुए बकलस का खुफिया तनाव, एक बातूनी घड़ी, वकील का लबार चोंगा, एक डरपोक चाकू जिसका फल कानून के जद से सूत भर कम है। शिनाख्त के इन तमाम चीज़ों के साथ अपने लोगों की भीड़ में भाषा को धीरे से धंसाओ, बिना किसी घाव के शब्द बाहर आ जाएंगे। जैसे परखी में बोरे का अनाज चला आता है, उन्हें परखो, बाट की जगह अपना चेहरा रख दो। यह न्याय के लिए है, क्योंकि जिसमें थोड़ा सा भी विवेक है वह जानता है कि आजकल शहर कोतवाल के नियत और हथकड़ी का नंबर एक है। और अब देखो कि कांटे का रुख किधर है। कल तक वह उधर था जिधर अड़तिया था, जिधर चुंगी का मुंशी बैठता था। कल तक नगर पिता का सिर विरोध में हिलता था और तुम पाते थे कि कविता का अर्थ बदल गया है, मगर अब चीज़ों के गलत होने का पता चल गया है। एक रिश्ता गलत समय देने लगा है, उसकी मरम्मत के लिए
घड़ी साज के दुकान पर जाना सरासर भूल है। तुम्हारे जिगरी दोस्त की कमर वक्त से पहले ही झुक गई है, उसके लिए बढ़ई की आरी और बसुले से लड़ना फिजूल है, क्योंकि गलत होने की जड़ न घड़ी साज के दुकान में है, न बढ़ई के बसुले में और न आरी में है, बल्कि वह इस समझदारी में है कि वित्त मंत्री की ऐनक का कौन सा शीशा कितना मोटा है और विपक्ष के बेंच पर बैठे हुए नेता के भाइयों के नाम सस्ते गल्ले की कितनी दुकानों का कोटा है, और जो चरित्रहीन है उसकी रसोई में पकने वाला चावल कितना महीन है। इस वक्त सच्चाई को जानना विरोध में होना है, और यहीं से अपराधियों के नाक के ठीक नीचे कविता पर बहस शुरू होती है। चेहरे से चेहरा बटोरते हुए एक तीखा स्वर सवाल पर सवाल करता है, सन्नाटा टूटता है, गूंगे के मुंह से उत्तर फूटता है, कविता क्या है? कोई पहनावा है, कुर्ता पजामा है? ना भाई ना, कविता शब्दों के अदालत में मुजरिम के कटघरे में खड़े बेकसूर आदमी का हलफनामा है। क्या यह व्यक्तित्व बनाने की, चरित्र चमकाने की, खाने कमाने की चीज़ है? ना भाई ना, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। इस तरह सवाल और जवाब की मंजिलें तय करके थका हारा सच एक दिन अपने खोए हुए चेहरे में वापस आता है, और अचानक एक नदारत सा आदमी समूचे शहर की जुबान बन जाता है। लेकिन मैंने कहा, अकेला कवि कटघरा होता है, साथ ही मुझे डर है कि वह आदमी तुम्हें सिलसिले से काट कर अलग कर देने पर तुला है, जो आदमी के भेष में शातिर दरिंदा है, जो हाथों और पैरों से पंगु हो चुका है मगर नाखून में जिंदा है, जिसने विरोध का अक्षर अक्षर अपने पक्ष में तोड़ लिया है, वो जो जानता है कि अकेला आदमी झूठ होता है, जिसके मन में पाप छाया हुआ है, जो आज अघाया हुआ है और कल भी, जिसकी रोटी सुरक्षित है, वह तुम्हें अकेला कर देने पर तुला है। वक्त बहुत कम है, इसलिए कविता पर बहस शुरू करो और शहर को अपनी ओर झुका लो, क्योंकि असली अपराधी का नाम लेने के लिए कविता सिर्फ उतनी ही देर तक सुरक्षित है जितनी देर कीमा होने से पहले कसाई के ठीहे और तनी हुए गड़ास के बीच बोटी सुरक्षित है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है।